टुडे वी लर्न प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो इसके तीन पार्ट्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और इन नेगेटिव इंटरोगेटिव से एक और पार्ट बनता है, वो होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसकी पहचान है, प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता है। इंग्लिश में होगी इसकी सब्जेक्ट प्लस एक वचन मतलब सिंगुलर प्लस वी वन प्लस एस या ई एस। सिंगुलर के साथ लगेगा एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सिर्फ अफर्मेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ अफर्मेटिव में। अब प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस बहुवचन में होगा वी वन, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ये सिर्फ सिंगुलर में लगेगा। फिर इसके एग्जाम्पल है सिंगुलर में ही सेइंग, जैसे मैंने बोला था कि एस या ई एस लगेगा अफर्मेटिव में सिर्फ सिंगुलर के साथ, तो यही है ही सिंग्स, वह गाता है। अब इसमें प्लूरल में वी सिंग, हम गाते हैं, ये है प्लूरल में, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब इसकी पहचान है नेगेटिव में, एस प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज और डू। डज लगेगा सिंगुलर के साथ, डू लगेगा प्लूरल के साथ। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ है, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल है ही डज नॉट सिंग, वो नहीं गाता है, वी डू नॉट सिंग, हम नहीं गाते हैं, इंटरोगेटिव का हो गया। पहचान है सिंगुलर में डज प्लस एस प्लस वी वन, मतलब पहले डज आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, ये है इंटरोगेटिव। अब इसकी ये थी प्लूरल में, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, डज ही सिंग, क्या वो गाती है, डू वी सिंग, क्या हम गाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट इसका सर्च मार लेना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नाम से।